नाउ नेक्स्ट आपका आएगा डी मॉर्गन्स लॉ. सो उसने क्या बोला कि ए प्लस बी बार इज इक्वल्स टू ए बार डॉट बी बार. और यहाँ उसने क्या बोला ए डॉट बी का बार करेंगे, इस पूरे का बार करेंगे तो आपका मिलेगा ए बार प्लस बी बार. इसको याद कैसे रखना है, इसको याद इस तरह से रखें आप कि कोई भी एक्सप्रेशन है उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट हुआ हुआ है, ठीक है, कोई भी एक्सप्रेशन. तो जब ये कॉम्प्लीमेंट टूट के गिरेगा इनके ऊपर तो ए बार के ए के ऊपर भी आएगा, बी के ऊपर भी और इसके ऊपर भी. इस तरह से याद रखना, ठीक है. और ए का कॉम्प्लीमेंट इसके ऊपर गिरेगा तो ये डॉट हो जाएगा और बी के ऊपर बार रह जाएगा, ठीक है ना. सो इस तरह से आप याद रखना, ये जब छत टूट के गिरेगी तो ए बार आया, फिर ये जो छत है वो प्लस के ऊपर गिरी तो डॉट हो गया और बी के ऊपर गिरी तो बी बार हो गया. ऐसे ही आप यहाँ देखें कि ये छत टूट के गिरेगी तो ए बार होगा, बी बार भी होगा और ये छत डॉट के ऊपर गिरेगी तो वो डॉट प्लस हो जाएगा, ठीक है ना. इस चीज़ को आप कितने भी नंबर ऑफ वेरिएबल्स पे लेके जा सकते हैं. प्लस सी कर लें तो डॉट सी बार भी आएगा, यहाँ डॉट सी कर दें तो प्लस सी बार भी आएगा, ठीक है ना. सो कितने भी वेरिएबल्स पे आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं थ्योरम को. नाउ अब इस चीज़ को आप देखें तो आपको दिखाई देगा दैट ए प्लस बी यानी कि और ऑपरेशन और उसका कॉम्प्लीमेंट हुआ है यानी कि नॉर गेट. सो दिस इज नॉर ऑपरेशन, ठीक है. फिर जो ये लिखा हुआ है यानी कि ए का नॉट हुआ, बी का भी पहले नॉट हुआ, ठीक है. सो ए बी का बबल हुआ, बबल का मतलब क्या हुआ, यहाँ जब बाद में बबल होने के बाद क्या आएगा, ए बार आएगा और बी बार आएगा, फिर उसके बाद इन दोनों का डॉट हुआ, ए बार और बी बार का डॉट यानी कि एंड, ठीक है. सो ये क्या बन जाएगा, ये बबल, इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है. सो फाइनली आपको क्या मिलेगा, ए यहाँ बाय द बबल क्या पहुँचेगा, ए बार पहुँचेगा और बाय द बबल ये बी जो पहुँचेगा वो बी बार पहुँचेगा. सो ए बार एंड बी बार का एंड हो रहा है, सो ए बार डॉट बी बार, ठीक है. सो दोनों चीज़ें सेम है, एकदम बिल्कुल इक्विवेलेंट काम कर रहे हैं दोनों, आपको सेम रिजल्ट देंगे, चाहे नॉर ऑपरेशन हो चाहे आपका बबल्ड एंड ऑपरेशन हो. इसलिए ये बोला जाता है दैट नॉर इज बबल्ड एंड, ठीक है. और फिर आप देखें कि ये जो है दिस इज नैंड ऑपरेशन, एंड के ऊपर कॉम्प्लीमेंट यानी कि नॉट एंड यानी कि नैंड, ठीक है. और फिर ये बबल हो रहा है और बबल होने के बाद और ऑपरेशन हो रहा है, सो दिस इज बबल्ड और. सो आप कह सकते हैं दैट नैंड इज सेम एज बबल्ड और ऑपरेशन, ठीक है, जो कि कहा जाता है, ठीक है. आप इसके लिए ट्रुथ टेबल बना के देखना, इसके लिए ट्रुथ टेबल बना के देखना, ठीक है, आपको सेम ट्रुथ टेबल दिखाई देगा. आप इसके लिए बना के देखना और इसके लिए बना के देखना, ए बी इनपुट्स के लिए जो भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल है आपको बिल्कुल सेम ट्रुथ टेबल दिखाई देगा, ठीक है ना. सो कोई भी दो एक्सप्रेशन अगर बराबर हैं तो दोनों का ट्रुथ टेबल आपको बराबर दिखाई देगा, ठीक है ना. अगर ऐसा नहीं है तो दोनों एक्सप्रेशन बराबर नहीं हो सकते, वो लॉ नहीं कहलाया जा सकता.